हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि हम संविधान पढ़ रहे थे पूरा UPSI लेवल का, और हमारा संविधान का आज कौन सा पार्ट है तो 10वां पार्ट है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम इस पर बहुत ही अच्छे से पूरे संविधान को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और हम अभी क्या पढ़ रहे थे, अनुसूची। तो आज से हमारी सारी अनुसूची समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम 11वीं और 12वीं अनुसूची दोनों पढ़ लेंगे। आपको एक बार पहले से बता चुके हैं कि देखिए, मूल संविधान था उसमें केवल और केवल 8 अनुसूची थी, ठीक है। 8 अनुसूची थी, फिर 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, जिनमें से हम 9, देखिए 9, 10 को पढ़ चुके हैं, आप 11 और 12 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या 11 और 12 को पढ़ने वाले, 9, 10 के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक बार अगर आपको बताना चाहें दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, तो भू सुधार, ठीक है। क्या भूमि संबंधित कानून जोड़े गए 9वीं अनुसूची में, ठीक है, जो कि पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखेंगे 9 में क्या है, भूमि वाला, ठीक है, भूमि, ठीक। तो भूमि किस में है, 9 में, ठीक है। कब जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन द्वारा। और देखिए 10वीं में क्या जोड़ा गया था, आपको बताया दल बदल कानून, ना 10वीं से दा से दल और दा से 10वीं, ठीक। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब हम बात करने वाले हैं टोटल किसके बारे में दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं अनुसूची। देखिए 11वीं अनुसूची आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इस समय प्रधानी के इलेक्शन भी आने वाले हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले अगर बात करें कि ग्राम पंचायत चुनाव कितने साल के हो तो आप लड़ सकते हो, तो आपको बता दें 21 साल की आयु, अगर आपकी 21 साल की आयु हो दोस्तों तो आप प्रधान बन सकते हैं, बशर्ते आपको वोट मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं बन जाओगे, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और वोट डालने का अधिकार तो आपको पता है, इसकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो 18 वर्ष कब की गई थी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कब से 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष की गई थी, किस संविधान संशोधन द्वारा, हम पहले बता भी चुके हैं, ठीक। अगर आपको पता है तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए 11वीं सूची में क्या जोड़ा गया, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारी। देखिए हम आपको बता दें ये कब जोड़ा गया, तो ये याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये चीजें जोड़ी गई, कौन सी, 11वीं अनुसूची, ठीक है। देखिए ये जोड़ी किस लिए गई भाई, देखिए महात्मा गांधी का सपना था कि गांव में क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जो कि गांव के लेवल की जो समस्या है उनको समझे, ठीक है। अब देखिए मान लिया राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री पूरे गाँव को जाकर के थोड़ी देख सकता कि इस गाँव की नाली खराब है या फिर क्या खराब है। तो ये चीजें किस पे, एक गाँव का ही एक मुखिया होना चाहिए जो कि उन समस्याओं को वहां तक पहुंचाए और उन समस्याओं पर कार्य भी करे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारे संविधान में पहले से दिया था, क्या पहले से ही, आर्टिकल 40 आप पढ़ेंगे, जिसमें पहले से बताया गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में ही दिया जा चुका था, ठीक है। मगर एक चीज आप याद रखना कि दिया तो था, फिर किस लिए जरूरत पड़ी, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए भाई, ग्राम पंचायत गठन तो पहले से दिया था तो 11वीं अनुसूची लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें भाई, दिया तो था कि ग्राम पंचायत का गठन हो चाहिए, मगर इसकी कुछ शक्तियां नहीं थी भैया, किस पे काम करेगा। अब मान लिया भैया आपको प्रधान बना दिया गया, आपको पता ही नहीं किस पे काम करना है, तो कैसे कर लोगे आप। कुछ चीजें बताई गई ना, कितने विषय हैं, तो आप भैया आज अगर प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपके लिए जरूरी है भैया कोई पूछ ले कि भैया प्रधान पर खड़े हो, आपको कितने विषय पे काम करने की इजाजत है, मतलब किस आर्टिकल द्वारा जोड़ा गया, आपको इस चीजें मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा जान लीजिए, नहीं तो इसका मतलब क्या, पढ़े लिखे कोई मतलब ही नहीं ना। तो आप याद रख लेना कि टोटल कितने विषय पर आप कानून बना सकते हैं, जो ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है दोस्तों वो 29 विषय पर काम कर सकता है, ठीक। तो याद रखें सबसे पहली चीज क्या है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित, तो पंचायत से, ठीक है। पंचायत संबंधित कब जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और कब से लागू हुआ, तो 22 अप्रैल 1993 से, कब से, 22 अप्रैल 1993। क्वेश्चन आएगा 11वीं सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय हैं, किसने, 29 विषय हैं। तो याद रखें कौन कौन से 29 विषय हैं, ये आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए पहला क्या है, कृषि संबंधित, यानी कि कृषि संबंधित, कृषि से जो विस्तार संबंधित कानून है वो बना सकती है ग्राम पंचायत। दूसरा है दोस्तों भूमि सुधार, भूमि सुधार हो गया या भूमि का विकास हो गया या फिर भूमि संगठन या फिर भूमि संरक्षण, इसके बारे में कानून बना सकती है, इसका मतलब कानून क्या, काम कर सकती, कानून नहीं बनाती ना, काम कर सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों, जल प्रबंध, ठीक है। देखिए लघु सिंचाई कर सकती है, लघु सिंचाई जैसे ट्यूबवेल वेल वाले ये सब चीजें आ जाएंगी, जल प्रबंध कर सकती है, मतलब नदी सॉरी जो तालाब होते हैं उनको खुदवा सकती है, ठीक है, इनके अंडर में होते हैं जल प्रबंध, और नदियों के मध्य भूमि का विकास, जैसे नदियों के मध्य होते हैं उनके भूमि का विकास करना, तो वो भी ये करवा सकती है। चौथा क्या है, पशुपालन,
दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य पालन, इसके बारे में आप जानते होंगे, ये भी प्रदान करवा सकता है, पशुपालन में कुछ छूटे दे सकता है, ठीक, इनके लिए काम कर सकता है, दुग्ध व्यवसाय के लिए और मत्स्य पालन के लिए, ठीक है। अगला है मत्स्य उद्योग के लिए, मत्स्य उद्योग आपको पता है तालाब खुदा कर उसमें मछली पलवाया जाए, जिससे क्या होगा कि जल संरक्षण का भी फायदा मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें वर्षा का पानी एकत्र होगा उस तालाब में, तो उससे क्या होगा, जल संरक्षण भी हमारा होगा। अगला है वन जीवन तथा कृषि खेती, वन जीवन तथा कृषि खेती, ठीक है। वन जीवन मतलब वनों थोड़े छोटे मोटे वन भी तैयार कर सकता है, ठीक, कृषि खेती संबंधित कुछ कर सकता है, ठीक है। सातवां क्या है, लघु वन उत्पत्ति, छोटे छोटे वन बनवा सकता है, ठीक, वन मतलब ना उद्यान टाइप के, ठीक है। अगला है लघु उद्योग, खाद्य उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, गृह उद्योग, है ना, आपको पता भी होगा कि जैसे पापड़ बनाना, ऐसे मतलब छोटी छोटी चीजें, अचार बनाने की, इस तरीके जो कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उनको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें खाद्य उद्योग, खाने पीने वाली चीजें ना। उसके अलावा दोस्तों खादी हो गया, खादी ग्राम का कुटीर उद्योग जैसे कि खादी उद्योग आप जानते होंगे, ठीक, छोटे छोटे उद्योग होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको विकसित कर सकता है। ग्रामीण विकास मतलब गाँव के विकास के बारे में काम कर सकता है, पीने का पानी उपलब्ध करा सकता है, ठीक है। मान लिया पीने का पानी नहीं, नलकूप गड़वाना, या फिर अब तो घर घर पानी देने की प्रथा भी शुरू हो गई है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि गोवा है वो 100% घर घर पानी पहुंचाने वाला पहला राज्य भी बन गया है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश हर घर LPG पहुंचाने वाला, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ना, तो इन पे कानून बना सकता है। बारहवां देखते हैं तो ईंधन और पशुचारा, क्या ईंधन और पशुचारा इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और 13 नंबर देखते हैं दोस्तों तो सड़कें पुलों, ठीक, समझिएगा कौन कौन से, सड़कें हो गई, पुल हो गए, तट हो गए, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन पर भी काम कर सकता है। और 14वां नंबर क्या है, ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन भी संबंधित है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण में जो विद्युत परियोजना होती है, जैसे मान लिया कि बिजली लाना किसी घर तक नहीं है, तो बिजली पहुंचवाना वो भी काम कर सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, आपको पता होगा सौर ऊर्जा हो गए, पवन चक्की हो गए, इस तरीके काम भी वो कर सकता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये तो बहुत समय चल रहा है इंदिरा गांधी समय से, ठीक, ये तो है ही है कि गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी से कैसे निकले जाएं, उस तरीके का कार्यक्रम चला सकता है, ठीक है। 17वां क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, आपको पता भी होगा कि ऐसे विद्यालय होते भी हैं, ठीक है, गाँव में, ठीक है। अगला है यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, यांत्रिक प्रशिक्षण, ठीक, व्यावसायिक शिक्षा, जो व्यवसाय संबंधी शिक्षाएं हैं वो करवा सकता है। 20वां क्या है, पुस्तकालय, एक अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण करवा सकता है, जिससे कि वहां के लोग पढ़े लिखे हो जाए, ठीक है, मगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वोट कैसे पाएंगे, तो ये भी तो दिक्कत होती है ना, तो ये चीज समझिएगा। अगला है वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, ठीक है, जो आपने देखा होगा कभी कभार योजना चलती है जो बूढ़ों को शिक्षा दी जाती है, तो उस तरह से मतलब छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है, और बूढ़ों के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करवा सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करवा सकते हैं। अगला है 21 नंबर क्या है, सांस्कृतिक कार्य, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके लिए भी काम कर सकते हैं। अगला है बाजार और मेले लगवाना भी प्रधान काम होता है, गांव में बाजार लग रहा है, मेला लग रहा है, तो उस पे भी प्रधान का कार्य होता है। अगला है 23 नंबर क्या है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, जिनमें अस्पताल हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकते हैं, दवाखाने, ठीक है, तो छोटे छोटे डिस्पेंसरियां होती वो करवा सकता है, अस्पताल छोटे मोटे, ठीक, और दवा खाने भी शामिल हैं, इन पर भी काम कर सकता है। अगला है पारिवारिक समृद्धि, परिवार कैसे समृद्धि हो दोस्तों, कैसे बढ़े, है ना, उस पर काम कर सकता है। महिला एवं बाल विकास पर, महिलाओं पर कुछ मतलब कि महिलाओं के लिए कुछ छूट काम मतलब कि प्रोवाइड करवा सकता है, बाल विकास, है ना, बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रम ला सकता है। सामाजिक कल्याण एवं जिसमें विकलांग और मानसिक रोगों की समृद्धि नहीं, तो कोई ऐसे सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किया जाए जिसमें क्या हो दोस्तों, कोई विकलांग है जिसे विकलांग के लिए साइकिल वगैरह उपलब्ध कराना, या फिर मानसिक रोगी है दोस्तों उनके लिए कुछ काम करना, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। और अगर बात करते दोस्तों कि जो कह सकते हैं कि कमजोर वर्ग में समृद्धि, ठीक, क्या कमजोर वर्ग में समृद्धि, जैसे कि मान करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग भी शामिल हैं, मतलब इनकी अच्छे से कल्याण के लिए कुछ काम करना, वो भी इसी में आएगा। 28वां क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कि आप समझते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होता है, आप राशन, आपने देखा होगा राशन संबंधी ना, तो वो चीजों में भी काम किया जा सकता है, ठीक, वो राशन जो बढ़ता है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ना, वो समझ सकते हैं। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सबकी संपत्ति दोस्तों, उसकी देख रहे कि उसे कोई तोड़े ना, अगर टूट गई है कोई मरम्मत करवा, जैसे पुल है मान लिया, कोई चीज टूटा फूटा उसकी क्षतिग्रस्त, उसकी मरम्मत करवाना, ठीक, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। ये क्या है, प्रधान के कार्य हैं। आपको पता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने त्रिस्तरीय समिति के बारे में सिफारिश की थी और लागू की गई। त्रिस्तरीय का होता है तीन स्तर पर दोस्तों, तीन स्तर पर, ठीक, जिला हो गया,
ब्लॉक हो गया, ग्राम हो गया, गांव, जिला और ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। इसकी शुरुआत आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1969 से नागौर के राजस्थान से हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, इसे रख लीजिएगा। और एक चीज आपको बता दें कि अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो इस पर जाकर के आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पा सकते हैं ये पीडीएफ दोस्तों। देखिए अब आगे हम देखेंगे दोस्तों कौन सी 12वीं अनुसूची, क्या 12वीं और अंतिम अनुसूची, क्योंकि आपको पता है कि टोटल और टोटल कितनी अनुसूची थी, तो टोटल केवल और केवल 12 अनुसूची ही थी दोस्तों, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची में कहा क्या गया है, तो देखिए 12वीं अनुसूची में क्या कहा गया दोस्तों, आपको बता दें कि नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकरण व जिम्मेदारी, देखिए इसको किस आर्टिकल में रखा गया, देखिए ये बाद में जोड़ी गई, तो इसे 243 बी में रखा गया, सॉरी बा में रखा गया, ठीक। अब देखिए ये क्या है, शहरी स्थानीय शासन को कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम शहरी स्थानीय शासन कह सकते हैं। देखिए अगर बात करते हैं भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है, कौन कौन से हैं वो आप याद रख लेना, हम लिखे नहीं है, ठीक, कौन कौन से, नगर पालिका हो गई, ठीक है, नगर पालिका परिषद हो गई, है ना, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, ठीक, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, या फिर पत्तन न्यास, या फिर और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी जो होती है, ठीक है, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें सबसे पहले चीज क्या है कि आप याद रखेंगे कि 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका, ठीक, 11वीं क्या था दोस्तों, ग्राम पंचायत, 11वीं में ग्राम पंचायत, 11वीं में ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। संशोधन कब हुआ, कब जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में लागू 1 जून 1993 से हुआ है। इसमें टोटल 18 विषय, देखिए ये शहर के लिए होती है, तो इसमें शहर में थोड़ा कम काम होता है दोस्तों, इसलिए इसमें केवल 18 विषय दिए गए हैं। और उसमें आपने देखा उसमें कितने थे दोस्तों, तो वो चीज आप बता सकते हैं, ठीक है, क्या उस चीज को आप बता सकते हैं, उसमें कितने थे, 29 विषय हमने बताया, ठीक। एक चीज याद रखेंगे कि जो ये दोस्तों है क्या, ये आपका जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है दोस्तों, इसके देखिए जनक किसको मानते हैं, कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को, क्या, लॉर्ड रिपन को, ये याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए इसके हम केवल विषय के बारे में देखेंगे, देखिए इसके बारे में गहराई से हम जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना है, इतना ज्यादा हम डीपली नहीं आएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि देखिए जो चीज जरूरी है उसका देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इन पर कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों, टोटल 18 विषय हैं जिन पर ये कानून बनाते हैं, ठीक। पहला क्या है, नगरीय योजना, नगर के लिए जो योजनाएं आएंगी उन पर कार्य करना, ठीक है। दूसरा क्या है, भूमि उपयोग और भवनों का निर्माण, भूमि का उपयोग कैसे करना है, ठीक है, भूमि का विनिमय, ठीक, और भवनों का निर्माण कैसे करना है, तो वो चीजों उन चीजों पर भी ये काम बनाते हैं, देखिए भवन का नक्शा पास कराना, ये सब चीजें समझ सकते हैं ना। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, आपको पता है कि आर्थिक रूप से कैसे विकास किया जाए, सामाजिक रूप से कैसे विकास किया जाए, उन पर योजनाएं लाना, ठीक है। अब चौथा है कि सड़कें व पुल, तो सड़कें व पुल देखिए ये तो उसमें भी था, ठीक, ग्राम पंचायत में था, इसमें भी है, ठीक है। पांचवा क्या है, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल सप्लाई, अब देखिए जल सप्लाई करना चाहे वो घर के लिए हो, फिर उद्योग कोई खुला हो, या फिर कोई वाणिज्यिक चीज हो, सबके लिए, तीनों के लिए दोस्तों जल का प्रबंध करवाना किसका काम है, तो इसी के अंतर्गत है, ठीक है। अगला है सफाई व कूड़ा कचरा प्रबंधन, आपको पता है कि आप सिटी में रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक कूड़ा कचरा का प्रबंधन भी होता है दोस्तों, जहां पर कूड़ा लोग फेंक के जाते हैं, फिर उसमें क्या होती है जो इसे लोग उठा के ले आते हैं, ठीक, तो वो चीजें अब गाँव गाँव में भी है दोस्तों, हमने देखा भी है कि गाँव में भी क्या है, कूड़ा एक प्रबंधन का वो लगे होते हैं जिस पर डस्टबिन टाइप की होती है, जहां पर आप कूड़ा फेंक सकते हैं, ठीक है। अगला है नौवां, आठवां क्या है, शहरी वानिकी, शहर में दोस्तों वनों का निर्माण करना छोटे छोटे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक, आप समझ सकते हैं, मतलब कि वन से बहुत ज्यादा फायदे हैं, ठीक, तो ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों अग्नि सेवाएं, क्या है, अग्नि सेवाएं, अग्नियों की सेवाएं आप समझ सकते हैं कि जो आप समझते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले, तो उनकी सेवाएं भी यहाँ पे अग्निशमक है ना, तो इसकी भी सेवाएं आपको देनी पड़ेंगी। अगला है झुग्गी झोपड़ी में सुधार, जो झुग्गी झोपड़ी दोस्तों है ना उनमें सुधार करना है, ठीक, उनमें क्या करना है, सुधार करना है दोस्तों, ठीक है। अगला है दसवां क्या है दोस्तों, समाज के कमजोर वर्गों के हित में संरक्षण, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो विकलांग रूप से, यही चीज आपके उसमें भी थी, ठीक, ग्रामीण वाले में थी, है ना, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों शहरी गरीबी निवारण, तो शहरी लोगों के जो गरीब है दोस्तों उनके निवारण के बारे में काम करना, ठीक है। अगला क्या है, पार्क की, पार्क हो गया, गार्डन हो गया, खेल कूद के मैदान विकसित करना, क्योंकि आपको पता है कि गांव में तो सब कुछ मिलता है खेलने कूदने के लिए, मगर शहर में क्या होता है दोस्तों ये सब चीजें बहुत ज्यादा दुर्लभ है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही कम मिलती है, कहां पे खेला जाए, तो उनके लिए पार्क मैदान इससे चीजें बनाना, ठीक। अगला है तेरहवां क्या है, तेरहवां विषय क्या है, सांस्कृतिक शैक्षणिक आदमी अभिवृद्धि, है ना, सांस्कृतिक रूप में कैसे वृद्धि की जाए, शिक्षा क्षेत्र में कैसे वृद्धि की जाए, उन पर काम करना, ठीक है। चौदह क्या है दोस्तों, कब्रिस्तान और शमशान
शमशान दोस्तों, आपको पता है कि इसे सौदाह के लिए, प्रक्रिया के लिए दोस्तों विद्युत सौदाह का सौदाग्रह होना चाहिए ना। तो ये चीजें कोई मान लिया किसी मृत्यु के कहाँ पे गाड़ेंगे, क्योंकि शहर में क्या होता है जमीन की बहुत कमी होती है ना दोस्तों, तो ये चीज आप समझ सकते हैं आप। अगला है कांजी हौद। कांजी हौद क्या होता है दोस्तों, ये जो पशुओं के लिए दोस्तों उनकी क्रूरता का निवारण के लिए दोस्तों कांजी हौद का निर्माण करना, जिसमें क्या होता है मान लिया किसी के खेत में कोई पशु चल गया तो उसको मार दिया, तो उसको कांजी हौद में छोड़ दिया, तो वो चीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों जन्म व मृत्यु का लेखा जोखा। आपको पता होगा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवाते होंगे, ठीक, तो उसका लेखा जोखा भी किया जाएगा। 17वां क्या है दोस्तों, रोड लाइट, बस स्टॉप, पार्किंग, जन सुविधाएं। ठीक है, रोड लाइट की व्यवस्था करना, ठीक है, पार्किंग स्थल होनी चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, जन सुविधाएं भी सम्मिलित है, उन पर भी काम कर सकते हैं। अगला है वधशालाएं एवं चर्म शोधन शालाओं का विनिमय दोस्तों। ठीक है, जो गाय जो जानवर काटने के वो होते ना, तो वो चीजों का भी निर्माण करवाना। ठीक है, ये चीजें होती हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक चीज आपको बताते हैं कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, उसमें हमने पूरा एसआई के लिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और हम समाज तक पहुंच चुके हैं, एक बार जाकर के उसे जरूर देखेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहां पर संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। क्या नाम है उसका, तो ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, एजुकेशन आरबीएल दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि देखिए आप निरंतर मेहनत करते रहिएगा। देखिए जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। एक चीज आपको पता है कि अगर किसी की जीत निश्चित है दोस्तों, कायर भी किसी से लड़ जाएंगे कि हमें हमारी जीत पक्की है ना, तो आप लड़ ही जाओगे। मगर दोस्तों आपको कह दें कि बहादुर वही कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान छोड़कर नहीं जाते। देखिए कि उनको पता है कि हम हार जाएंगे मगर फिर भी वो अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं, तो वही क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। इसी तरह आपको भी लगे रहना दोस्तों। अगर देखिए पसंद आई वीडियो तो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। दूसरे चैनल जरूर जाइएगा जिसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं पूरी एसआई लेवल के। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।